भाई आज हम आपको हमारी जो 30 एचपी की पैलेट मशीन है उसके बारे में जानकारी दे दें। जैसे कि हमारी 30 एचपी की पैलेट मशीन में जो मोटर रखी हुई है ये 3 फेज की है मोटर, इसके साथ में आपको एक पैनल बॉक्स मिलता है। अब 30 एचपी की जो पैलेट मशीन का जो गियर बॉक्स है ये हमारा गियर बॉक्स है, ये हमारा नीचे का गियर बॉक्स है जिसमें ऑयल रहता है, गियर ऑयल। गियर ऑयल डालने के लिए आपको यहाँ जो है ये नट दिया हुआ है इसको होल करके आपको यहाँ से जो है गियर ऑयल फिल करना है, जो कि 22 से 25 लीटर डलेगा। और गियर ऑयल का जो लेवल है वो देखिए, यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट जो दे रखा है गेज, इसमें आपको लेवल दिखा रहा है कि हमारा ये लेवल तक इस तक रहेगा। और हमारा जो गियर ऑयल है बाई चांस जब हम इसका चेंज करना चाहेंगे तो उसके लिए एक ड्रेन बोल्ट दिया हुआ है जो कि आप इसको ऑयल को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। आइए अब हम आपको जो गियर बॉक्स है जिसको अंदर जो डाई लगी हुई है आप जैसे कि देख सकते हैं इसके ऊपर अंदर ये हमारी डाई रोलर लगे हुए हैं, रोलर के नीचे जो है डाई लगी हुई है। आइए आज हम आपको इसकी जो डाई है वो चेंज करके दिखाते हैं कैसे इसकी डाई चेंज की जाएगी। डाई चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले जिसके ये जो बोल्ट है इन नट बोल्टों को हमें खोलना है, जिससे कि हमारा इसका जो गियर बॉक्स का ऊपर का कवर है ये वाला ये पार्ट जो है अलग हो जाएगा। हम इसके जो नट बोल्ट खोलने के बाद अब हम इसके ऊपर वाले भाग को ऊपर उठाएंगे। इस प्रकार से इसके ऊपर वाले भाग को अलग कर दिया जाएगा। इन रोलर को हम ऊपर उठा देंगे अब यहाँ से। देखिए इसमें जो है डाई लगी हुई है, इस डाई को अब हम चेंज करके दिखाएंगे कैसे आप इसकी डाई को आसानी से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हमें इसमें देखेंगे ये जो नट लॉकिंग नट है इसमें एक नीचे वार्सल लगी हुई है, वार्सल का जो लॉक है वो इस नट में फिक्स है। पहले हम इस नॉक को खोलेंगे। खुल गया, अब हम इस नट को खोलेंगे जैसे कि अब हम इस डाई को निकालने के लिए आपको एक मार्केट में इस प्रकार का कोई पुलर मिल जाएगा जो आप परचेज करके ला सकते हैं। उसके बाद अब हम इसमें देख रहे हैं जैसे कि इस पुलर में दो होल हुए हैं डाई में। देखिए जो दो होल हैं इसमें थ्रेड बनी हुई है जिनमें कि हम पुलर में से दो बोल्ट डालेंगे। हम स्पैनर की मदद से इस नट को टाइट करेंगे। जैसे जैसे हम इस नट को टाइट करेंगे जो हमारी डाई है ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो अब हम इसकी जो डाई है वो लगाने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डाई में ये कट बना हुआ है, इस कट को हमें
जो मशीन के गियर बॉक्स में ये देख रहे हैं एक कार्टर पिन लगी हुई है। इस कार्टर पिन के शीध में इसका जो कटा हुआ भाग है इसको इसकी शीध में रखेंगे इस प्रकार से, और हम डाई को अंदर फिक्स कर देंगे। इस प्रकार से आपकी डाई जो है इसमें फिक्स हो गई है। डाई लगाने के बाद हम इसमें जो वार्सल है इसमें देखिए कट जो इसमें लॉक है ये अंदर की तरफ आ जाएगा इसमें इस प्रकार से। उसके बाद हम इस पर लॉकिंग जो नट है उसको लगाएंगे। और नीचे जो हमने वार्सल डाली थी लॉकिंग वाली इसको हमें ऊपर उठा देना इसके लॉक को, जिससे कि हमारा जो नट खुलेगा नहीं मशीन चलने पे। इस प्रकार से जो हमारा ये नट है लॉक हो जाएगा, ये कभी भी खुलेगा नहीं। अब हम इसके रोलर फिट करेंगे। जैसे कि ये देख रहे हैं इसमें चार रोलर लगे हुए हैं। अब हम इसके गियर बॉक्स के ऊपर का कवर लगाएंगे। अब हम इसके नट और बोर्ड लगाएंगे। इस प्रकार से हम इसकी डाई को बदल सकते हैं, इस प्रकार से फिट कर सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जैसे आप फीड बनाते हैं उसमें क्या होता है, आप होपर में जो है फीड मिक्सचर डालते हैं, मिक्सचर डालने के बाद ये रोलर जितने डाई के साथ मैच होकर घूम रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे मिक्सचर डालते वक्त ऊपर साइड से जो है हम इन जो रोलर के जो चारों तरफ बोल्ट दिए हुए हैं ऊपर ये इन सभी बोल्टों को एक एक करके टाइट करना है। मिक्सचर डालते वक्त हमें इन बोल्टों को बराबर बराबर टाइट करना है, एक एक करके हम जो है सभी बोल्टों को बराबर बराबर टाइट करते जाएंगे। जब हमारा फीड बन के आना शुरू हो जाए वहाँ हमें इनको रोक लॉक करके छोड़ देना है, उतना हमें टाइट रखना है। इस तरह से जो आपका फीड बन के आना शुरू हो जाएगा और आपका प्रॉपर फीड बन जाएगा। दोस्तों जैसे कि आपको फीड है छोटा या बड़ा सी फीड चाहिए तो उसके लिए ये जो बाहर जो है पत्ती दी हुई है, जब फीड हमारा बनता है तो उसके बाद कटिंग होती है फीड की, तो उसके लिए पत्ती को हम ऊपर जैसे कि ऊपर करना हमें छोटा चाहिए तो हम इसको ऊपर कर देंगे और इस बोल्ट को टाइट कर देंगे, उससे हमारा फीड जो है छोटे साइज में आएगा। और अगर हमें बड़ा सी फीड चाहिए तो उसके लिए हमें इस पत्ती को क्या करना है नट को लूज करके बिल्कुल नीचे कर देना है, उससे हमारे फीड की जो लेंथ है वो बड़ी रहेगी और आपका जो बोल्ट है इसको टाइट करना है।
इस प्रकार से टाइट करके अब पत्ती के जो आपका फीड बन के आएगा नीचे करने पे, वो आपका बड़े साइज का फीड बन के आएगा। इस प्रकार से आप अपनी आवश्यकता अनुसार फीड की साइज के एडजस्टमेंट कर सकते हैं।